और इसमें देखिए पूरा खा गया लो, लेकिन लास्ट में सोचे ब्लॉग सबूत ले ले खाना का। चिकन कैसा है, कैसा बना है? झूठ झूठ बोल रहे, तीखा लग रहा है आपको, तो तीखा लग रहा था। नमक कम था, नमक मिला लिया, तीखा नहीं लगा। गुड, तारीफ करना सीख गए हैं, नहीं तो तारीफ नहीं करते थे आप। और तुमको कैसा लगा चिकन? ठीक, और वो ठीक करेगा, बहुत काम है, क्योंकि तारीफ करेगा तो जो बनाया है ना वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। एक बार फिर मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि मैं ब्लॉग क्यों स्टार्ट की हूँ, बिकॉज बहुत ही स्पेशल डे है, आज नहीं कल, और आज भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, कल मैरिज डे है और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो आप सभी से मैं मिलाऊंगी। अब मैरिज डे के लिए आ रहे हैं, कल मेरा मैरिज डे है और आज आ रहे हैं वो मैरिज डे सेलिब्रेट करने, मेरे हस्बैंड और देवर साथ में। तो गाइज ब्लॉग में बने रहिएगा, आज का इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा। सो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे उज्जवल साइड बैठ के जीजू का इंतजार कर रहा है। सच सच बोला, झूठ मत बोलना है, पहले ही बोल दिया, हम क्या बोले। और गाइज ब्लॉग में बने रहिएगा, गाइज ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि कल बहुत ही स्पेशल डे है, मैरिज डे है मेरा, और हम सब कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आप सभी को अपडेट मिलते रहेगा। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया होगा तो, ठीक है, मैं हर चीज शेयर करूंगी आप सभी से। तो मिलती मैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस तो थोड़ी देर में वो लोग आने वाले हैं और आप सबसे मैं मिलाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहिए। और मतलब गाँव में आ चुके हैं, बस अब पहुंचेंगे। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं, देखिए, और भैया भी बैठ गया यहाँ पे, और उधर देवर है। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहा है लोग, और यहाँ देखिए मौसी आ गई, अपने पेड़ का हुआ है, प्रणाम करने के लिए उठ रहा है लोग। तो गाइज नाश्ता आ गया यहाँ पे, देखिए जब कुछ बिछाया ना तुमने, यहाँ पे खाना खाने में पता नहीं है। खाओ, हम नहीं खाते, खाना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक और सिर्फ आप चाय नहीं पीते, इसलिए चाय की व्यवस्था भी नहीं हुई। माँ बोलिए तो चाय नहीं पीते हैं, वो पीते हैं। तो अभी वो नाश्ता कर लिए हैं और नाश्ता करके छत पे बैठे हुए हैं, और रिशु जी और भाई साथ में कहीं गया है ऐसे ही घूमने गाड़ी से, तो चलिए ले चलते हैं छत पे आप सभी को उनसे मिलाने। चलिए आ जाइए, सब कुछ छत पे है, मतलब कुछ लोग गया है साथ में और लोग छत पे है। चलिए ये देखिए छत पे बैठे हुए हैं, ये कैसे किस स्टाइल में बैठा है, और यहाँ पे फोन चला रहे हैं। और सब बताइए, आने में कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुआ है, हैं? क्या हस्बैंड का सेवा कर देते हैं, बहुत दिन हो गया सेवा किए हुए, सेवा बहुत दिन हो गया किए हुए, हमेशा ये वीडियो देखते हैं। कौन बाबा का है? अनुराधाचार्य, अनुराधाचार्य बागेश्वर नाम है, अनुराधाचार्य, उनका सिर्फ वीडियो देखते हैं बीबी पर, और हम देखते हैं सिर्फ हस्बैंड पर। और गाइज मैं हेड मसाज कर दी थी पहले, फिर अभी ये बोले हैं ना कि कंधा दबाओ, तो मैं सोची आप सबको दिखाती हूँ ब्लॉग में, आप लोग को लगेगा मैं सेवा नहीं करती हूँ हस्बैंड का, बहुत करती हूँ पर ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। आपसे सुनिए ब्लॉग बनाएंगे,
जब भी आपका सेवा करेंगे व्लॉग बनाएंगे, पता तो चलना चाहिए कि हम हर चीज में तेज हैं। अगर झगड़ा करती है, झगड़ा कब करते हैं हस्बैंड से झगड़ा करना चाहिए, झगड़ा करने हस्बैंड का सेवा भी होता है, झगड़ा भी होता है, तो उसका भी ब्लॉग बना रहे हैं। गोल्ड मेडल भी जीत सकती है झगड़ा में। सब चीज में औरत को तेज होना चाहिए, झगड़ा करने में, प्यार करने में, सेवा करने में। हस्बैंड से झगड़ा नहीं कीजिएगा ना आप लोग, जो औरत है वो समझती है। क्या हस्बैंड से झगड़ा नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। उसको बहुत अनुभव है, क्या बात है। इधर दो दो दल खड़ा होकर देख रहे हैं लोग। सबसे अच्छा है पैर दाबना। आज रात के मैं पैर इनका दाबूंगी, मैं जरूर सेवा करूंगी, पैर दाबूंगी। जेब में है कि नहीं कुछ? जेब में नहीं है। इस जेब में नहीं होगा क्योंकि बैंक में है, फोन पे करवा लेना। आज तक हमको कोड भी नहीं बताया है पे फोन का। यहाँ देखो और मेरा चेक कर लेते हैं कितना पैसा है। नंबर बताइए, नंबर चेक करेंगे हम भी। तो अभी खाना खाने का टाइम हो गया और फाइनली खाना खा रहे हैं लोग। मैं सोची ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि ये भी दिखाना जरूरी है कि हम लोग खाना खिलाए हैं। तो बोल दे लो कल की हाँ चिकन खिलाया हम लोग, बोल दे लो कि सब्जी चावल खिलाया है कोई, तो अच्छा बात नहीं है क्या। और इसमें देखिए पूरा खा गया लो, लेकिन लास्ट में सोचे ब्लॉग सबूत ले ले खाना का। चिकन कैसा है, कैसा बना है? झूठ झूठ बोल रहे, तीखा लग रहा है आपको? तो तीखा लग रहा था, नमक कम था, नमक मिला लिया, तीखा नहीं लग रहा। गुड, तारीफ करना सीख गए हैं, नहीं तो तारीफ नहीं करते थे आप। और तुमको कैसा लगा चिकन? ठीक और वो ठीक करेगा, बहुत काम है क्योंकि तारीफ करेगा तो जो बनाया है ना वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। बाय द वे मेरी सिस्टर बनाई है, माँ इतना तीखा नहीं, वो भी तीखा नहीं बनाती है, पर थोड़ा इसमें तीखा मिर्च था, तेजा वाला जो बोलते हैं वो, तो इसलिए तीखा बन गया है। और कुछ चाहिए? अभी तुम्हारे पास अभी इतना चिकन चावल भी है, अभी खा नहीं रहा है जल्दी जल्दी, मोबाइल में देख देख के खाना खा रहा है। आपको कुछ चाहिए? चावल चिकन थोड़ा तीखा हो गया है चिकन आज। चलिए गाइस तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अब ब्लॉगर है, कुछ ना कुछ बोलना होगा, मजाक उड़ाना होगा, कुछ तो करना होगा। तो ऐसे सही है ना, पैसा देके गया तो कुछ ये स्टोरी कितना गाइस। गुड मॉर्निंग, तो आज फाइनली मेरा मैरिज एनिवर्सरी है, सो आप सब अगर विश कर रहे होंगे तो थैंक यू सो मच। और मैं इनको बोली हूँ, और अररिया जाने का प्लान बन चुका है। पहले लगा कि नहीं जाना है, दो गाड़ी जाने वाला था, सब कोई जाएगा, पर हुआ कि छोड़ो एक ही गाड़ी से हम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेके आ जाएंगे क्योंकि आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो अभी ना मेरा मन था कि एक गाड़ी चलाए और मैं बैठूं आगे, तो मैं बोली हूँ कि चलिए चलाइए, तो बोले चलो गांव में घुमा देता हूँ। तो अभी गाड़ी निकाल रहे हैं, तो आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और पता है इनको आता है चलाने पर उतना नहीं चलाते हैं, इसलिए मैं इनको बोली हूँ कि आप चलाइए और थोड़ा चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं आपको। और मेरा भी शौक है कि हाँ ये ले चलते, आगे मैं बैठती, डिनर पे जाती या फिर शॉपिंग करने जाती और ये चलाते। देखिए अभी गाड़ी निकाल करके मैं दिखाती हूँ, ये देखिए गाइज। अब यार गेट खोलो अच्छा से, बाहर जाएगा। बैठे चलिए चलते
इधर चलना है तो क्या तलाश हाँ चलिए तो गाइस फाइनली ये गाड़ी चला रहे हैं मतलब आता है चलाने म्यूजिक सिस्टम ना मिला प्लेलिस्ट है क्या ना ना म्यूजिक हिंदी सॉन्ग बजाइए हिंदी सॉन्ग और हम लोग आए हैं इधर मोतिहारी साइड घूमने गाइज घर पे आ चुके हैं हम लोग और मैं ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा हो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जानवी मनीष ब्लॉग और गाइज फिर ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा तो उसको भी देखिएगा आप लोग क्योंकि अब मैरिज डे का होगा और एक और है सरप्राइज है तो सो आप लोग ब्लॉग देखिएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय।